कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए बानमोर पुलिस द्वारा सिंधिया मार्केट, भैरव मार्केट, सदर बाजार में रोको टोको अभियान के तहत चालानी कार्रवाई कर लोगों से 1800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही लोगों को समझाइश दी गई कि वे अपने घरों से बिना मास्क के ना निकले। इस दौरान पुलिस की इस कार्रवाई में SI योगेंद्र सिंह यादव, ASI अरविंद शर्मा, मुन्नालाल गौड़, प्रधान आरक्षक राजेंद्र गुर्जर, आरक्षक गजेंद्र, सतेंद्र गुर्जर, दीपक एवं सतेंद्र आदि का योगदान रहा। बानमोर से भावना शर्मा की रिपोर्ट। चौराहे पर रोको टोको अभियान चल रहा है और इस अभियान के तहत दो पहिया वाहन चालकों और राहगीरों से चालानी कार्रवाई की गई है। तो कितनी की राशि वसूल की है, क्या उनको जांच दी गई है? आज हमने रोको टोको अभियान के तहत यहाँ भैरव मंदिर पर एक कार्रवाई की गई है। इसमें हमने आपकी चालानी कार्रवाई की है, मास्क वाले उन्होंने मास्क नहीं लगाया। एक हज़ार रुपये मोटर व्हीकल एंट्री पर कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। इससे कि समाज में यहाँ के निकलने वाले लोगों में ये संदेश जाए कि कोरोना गाइडलाइन का